अलमेकम स्टूडेंट्स अभी हम चैप्टर नंबर फोर टर्निंग अफेक्ट ऑफ द फोर्स के नुमेरिकल्स जो कि से रिलेटेड हैं सिर्फ वो करने लगे हैं बाकी नुमेकल्स हम इस वीडियो में नहीं करेंगे हम सिर्फ वो नुमेकल्स जो कि से रिलेटेड हैं वो करने जा रहे हैं आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम नुमेरिकल नंबर फोर तो सबसे पहले आई विल टेल यू के जो भी नुमरिकल हो उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है देन यू आर एबल टू सॉल्व इट सो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन के आपने उस नमेरिकल को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है ठीक है तो अभी हम फोर पॉइंट फोर को देखने लगे हैं तो इसमें सबसे पहले वी विल रीड द नमेरिकल एंड विल अंडरस्टैंड इट अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड पर पेंडिकुलरली ऑन अ स्पेनर एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट फाइंड द टार प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली वी कैन सी वी आर अप्लाइंग अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 100 न्यूटन राइट परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर, एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट सो द डिस्टेंस फ्रॉम द नट ओवर हेयर इज टेन सेंटीमीटर सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द नट विच इज़ टेन सेंटीमीटर फाइंड द टार्क तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है हमने जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो फाइंड आउट करना है तो so, हम क्लियरली अंडरस्टेंड कर सकते हैं कि के इस केस में फोर्स भी है हमारे पास और हमारे पास जो मोमेंट आम है वो भी है तो so, हमने टार्क का जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए हमने टार्क फाइंड आउट करना है राइट right? तो so, हमारे पास गिवन डाटा क्या है वी हैव फोर्स विच इज़ हंड्रेड न्यूटन इट इज़ गिवन व द मोमेंट आर्म मोमेंट आर्म को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी के मोमेंट आर्म को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं वी रिप्रेजेंट इट विद एल विच इज टेंटीमीटर राइट तो एज इट इज इन सेंटीमीटर्स विच इज नॉट द बेस यूनिट तो हमने इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है वो विल डिड दिस टेन बाई हंड्रेड विच विल कन्वर्ट इट इन टू मीटर्स एंड वी गेट जीरो पॉइंट वन मीटर राइट देन एज वी हैव सीन के हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है टार्क कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द फार्मूला ऑफ टार्क टार्क का फार्मूला कोई आप में से बता दें मुझे दैट इज एफ इन टू एल सो वो नाउ वी सिंपली पुट द वैल्यूज एफ इज हंड्रेड एंड एल इज जीरो पॉइंट वन सो वी गेट टेन Newton meter. So we can see when we apply a force of 100 newton on a spanner, and the, and the and the distance of the force from the nut is 10 centimeter, the amount of torque produced is 10 newton meter. And the next numerical we are going to do is 4.6, which reads as the steering of a car has a radius 16 centimeter. फाइंड दी टार्क by a अ कपल ऑफ newton. न्यूटन राइट फर्स्ट ऑफ I आई वुड लाइक टेल यू के ये डू इन अमेरिकल आपका ये पॉइंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीन चार बार जो है एग्जाम्स में बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है तो आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमने जो ऊपर वाले अमेरिकल किया था यहाँ पर जो टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था दैट वॉज काज बाई अ सिंगल फोर्स राइट right? अब यहाँ पर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल वो एक कपल की वजह से हो रहा है राइट right? तो यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है तो हम इसको दोबारा से नमेरिक को अंडरस्टैंड करते हैं द स्टेयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर अब क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप है तो इसका ऑब्वियसली इसका एक सेंटर सेंट्रल पॉइंट है जो कि जिस जहाँ पर ये जो सर्कल या ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये रोटेट करता है सो दिस इज़ दी एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ इट और ये सेंट्रल पॉइंट है तो सेंट्रल पॉइंट से इस फोर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेडियस तो ये यहाँ पर कोई भी इस तरह से लाइन ड्रा करें सेंट्रल पॉइंट से तो ये रेडियस के इक्वल है तो यहाँ पर भी ये जो है ये एक रेडियस है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस जो है दैट इज़ रेडियस एंड इट इज़ आल्सो ये किसके इक्वल है और ये मोमेंट आर्म के इक्वल है तो यहाँ पर जो एक फोर्स का जो मोमेंट आर्म है दैट इज इक्वल टू द रेडियस तो फिर जो दूसरी फोर्स है ऑब्वियसली वो भी सेंट्रल पॉइंट से अगर हम देखें यहाँ का तक जो डिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल है वो भी एक रेडियस के ही इक्वल है तो ये दोनों रेडियस मिले तो ये क्या बनाते हैं ये मेकअप द डायमीटर ऑफ द सर्कल और क्योंकि जब हम कपल की बात करते हैं तो कपल में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस होता है दैट इज़ द मोमेंट आर्म ठीक है ये जीरो फोर्स जीरो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है पैरेलल डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू कपल आर्म यहाँ पर ये कपल आर्म के इक्वल है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने कहा है कि जो इसने क्वेश्चन में आपको एक रेडियस दिया है दैट इज़ आर और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो सिक्सटीन सेंटीमीटर ये सिक्सटीन सेंटीमीटर का मतलब है कि ये भी क्या हुआ सिक्सटीन सेंटीमीटर ही हुआ ठीक है एंड दीज बोथ रेडियस रेडियाई जो हैं दे आर मेकिंग अप दी कपल आम इस कपल का जो आम है दैट दैट इज मेड बाय दीज टू रेडियाई ठीक है तो हमने क्योंकि इस फार्मूला के अंदर ये यूज़ होना तो हमने इसको पहले से एक्सप्लेन कर लिया है ठीक है तो अब हमारे पास गिवन uh, क्या है कि जो कपल का जो जो कपल फोर्स है दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू फिफ्टी न्यूटन राइट और uh, जो हमारे पास uh, आर की वैल्यू है जो जो कि हमारे पास रेडियस है दैट इज़ आर इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर अगेन ये जो है ये सेंटीमीटर्स में है विच इज़ नॉट इन बेस यूनिट्स तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी कन्वर्टेड इन टू मीटर्स दैट विल बी ज़ीरो मीटर्स क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब ये एक रेडियाई है एक एक रेडियस है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीटर्स तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो क्योंकि ये हमारे हमने यहाँ पर जो कपल uh, आर्म है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर तो डायमीटर किसके इक्वल होता है डायमीटर मीटर यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू टू आर राइट तो इट इज़ टू इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर राइट देन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं के हमारे पास जो हमने फाइंड आउट क्या करना है हमने टार्क ड्यू टू कपल ये फाइंड आउट करना है ठीक है एंड इट इज इक्वल टू इसका फार्मूला क्या है हमारे पास अगर किसी को याद हो तो फोर्स इनटू कपल आम जो कपल का आम है अब यहां पे कपल का आम किसके इक्वल है विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज दोनों जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू दैट तो इट इज फोर्स इन टू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ये इसके इक्वल है राइट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है दैट इज ड्यू टू कपल इज इक्वल टू फोर्स इन टू डायामीटर ना वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डायामीटर Force is 50 into 2 into 0 0.16. So, what we get over here? We get 16 Newton meter. So, the couple will produce a torque of 16 Newton meter. Okay, students, third numerical 4.9 is also very important. यह भी ट्वेंटी uh, एटीन के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है तो आपने भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है इट रीड्स एज अ नट हैज़ हैज़ बिन टाइटन बाई अ फोर्स ऑफ टू हंड्रेड न्यूटन यूजिंग टेन सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर सो आई हैव ड्रॉन द पिक्चर्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के वी हैव अ नट जो है उसको एक स्पैनर uh, के जरिए से जिस पर हमने टू हंड्रेड न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई की एंड वी वी यूज़ दिस स्पैनर इसको टाइट करने के लिए ठीक है तो टाइट करने के लिए ऑब्वियसली हम इसको क्लाक वाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो फिर ये नट जो है वो टाइट होता है तो हमने इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है ताकि वो टाइट ता, जो नट है वो टाइट हो और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ टू हंड्रेड न्यूटन राइट और जो मूवमेंट आर्म हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ uh, उसको हमने एल वन कहा और दैट इज़ टेन सेंटीमीटर ठीक है अब न, जो इसका बाकी पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है वट लेंथ ऑफ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड अब हमने उसी नट को जिसको हमने ये फोर्स अप्लाई करके इतने सेंटीमीटर के मोमेंट आर्म के जरिए से टाइट किया उसी नट को अब हमने लूज करना है अब लूज़ करने के लिए उसने कहा है कि हमारे पास जो फ़ोर्स है दैट इज़ 150 न्यूटन तो ये फोर्स जो है वो 150 न्यूटन फ़ोर्स जो है वो कितने मोमेंट मोमेंट आर्म पर अप्लाई की जाए ताकि ये नट जो है वो लूज़ हो जाए अब यहाँ पर जो है हम इसके लिए उसको क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉक उसको नट को ओपन करने के लिए हम एंटी क्लाक जो है वो टार्क प्रोड्यूस होगा यहाँ पर तो सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ जो फोर्स है दैट इज़ टू न्यूटन एंड जो एल है जो मोमेंट आर्म है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर विच अगेन इज़ नॉट इन बेस यूनिट्स तो हम इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो व्हाट वी गेट ज़ीरो पॉइंट वन मीटर तो ये जो ये जो यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क टार्क प्रोड्यूस होगा क्योंकि जब भी हम नट को टाइट करते हैं तो हम क्लॉक ही उसको रोटेट करते हैं जिससे नट जो है वो टाइट होता है अब हम इस आ रहते हैं दूसरे सेम सिचुएशन कि यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज़ 150 फिफ्टी न्यूटन यहाँ पर उसने कहा कि मोमेंट आर्म जो है हमने वो फाइंड आउट करना है कि कितना मोमेंट आर्म जो है वो अगर फोर्स यहाँ पर चेंज कर दी उसने कि फोर्स यहाँ पर तो 200 थी अब यहाँ पर फोर्स उसने चेंज कर दी कि फोर्स 150 फिफ्टी न्यूटन जो है उसने अप्लाई करनी है तो मोमेंट आर्म कितना चाहिए ताकि ये जो नट है ये लूज हो जाए तो यहाँ पर हम इसको ओपन करने के लिए एंटी क्लॉक तो ये जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम इसको घुमाते हैं ताकि ये जो नट है वो लूज हो जाए तो यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी एंटी क्लॉक तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक हमारे पास क्या फार्मूला है क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास वी हैव एफ वन इन टू एल वन तो यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज में हमारे पास एफ टू इन टू एल टू हमने फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है एल टू विच इज़ लेंथ ऑफ दिस स्पेनर जो कि यहाँ पर एल टू जो है वो लेंथ ऑफ द स्पैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द मूवमेंट आर्म ऑफ द सेकेंड फोर्स ठीक है तो यहाँ पर हम इसको रीरेंज करते हैं हमने एल टू फाइंड आउट करना है इसको हम यहीं पर रहने देते हैं हम इसको रीरेंज करते हैं एफ वन इन टू एल वन ओवर यहाँ पर यह मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर यह जाकर डिवाइड होगा एफ टू नाउ प्लेसिंग द वैल्यूज एफ वन हमारे पास क्या है टू हंड्रेड एल वन हमारे पास जीरो पॉइंट वन मीटर और यहाँ पर ये यह न्यूटन है एफ टू हमारे पास वन फिफ्टी न्यूटन है तो एल टू हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद दैट इज़ीरो पॉइंट वन थ्री थ्री मीटर्स ये न्यूटन न्यूटन से कैंसिल सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस वी व्हाट वी गेट वी गेट जीरो पॉइंट वन थ्री थ्री मीटर एज़ इट इज़ इन मीटर बट आवर आंसर हैज़ बिन शोन इन सेंटीमीटर्स तो क्या करेंगे इसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे एल टू इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो वट वी गेट वी गेट थर्टीन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर तो हमें यहाँ पर जो मोमेंट अगर हम उसी नट को लूज़ करने के लिए 150 न्यूटन मीटर न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस नट को लूज करने के लिए जो हमें मोमेंट आम या जो हमें लेंथ ऑफ द स्पेंडर रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी 13.3 सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स अभी हम टॉक्स uh, रिलेटेड जो लास्ट नोमरिकल है इस एक्सरसाइज में दैट इज़ फोर वो करने जा रहे हैं Uh, इसी इसी तरह का एक सिमिलर जो नमेरिकल है वो एग्जांपल में भी गिवन है टाक एग्जांपल में भी गिवन है आप उसको uh, इसको भी तकरीबन वो सेम ही है उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको देख कर भी ठीक है तो हम इसको अंडरस्टैंड uh, करते हैं और रीड करते हैं अ ब्लॉक ऑफ मैस टेन के जी इज़ सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार वन मीटर लॉन्ग हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ जो है वो वन मीटर लॉन्ग है ठीक है इस पर एक ब्लॉक ऑफ मैथ है जिस मैम uh, जिसका मैथ एक ब्लॉक है जिसका मैथ टेन के है उसको हैंग किया गया है सस्पेंड किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार तो सेंटर इसका हम देखें तो ये सेंटर है वी प्लेस अ वेज ओवर हेयर ठीक है कि जिस पर ये बैलेंस हो सकता है हमने इसको सेंटर में यहाँ पर इसको कर दिया ये सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी इसको हमने जी कह दिया ठीक है तो उसने कहा है कि 20 सेंटीमीटर इससे सेंटर से 20 सेंटीमीटर जो है वो आ, एक हमने ब्लॉक ऑफ मैथ 20 के जी उसको हमने सस्पेंड किया है अब हम इसका आ, 20 सेंटीमीटर कहाँ कैसे लेंगे ये तो मीटर्स में है तो हमने हम दे सकते हैं कि अगर हम बात करें मीटर्स की तो क्योंकि ये वन मीटर है तो ये हाफ इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट फ़ाइव मीटर क्योंकि मीटर है तो हाफ़ सेंटर हुआ हाफ तो इस तरफ भी हाफ हुआ तो वी गेट ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर राइट तो वो जो आपके क्वेश्चन में है दैट इज जो जो ब्लॉक है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ये सेंटर है तो ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर वो जो है हैंग हो रहा है तो ट्वेंटी सेंटीमीटर हम इसको कैसे लेंगे जी हम बात करते हैं कि सपोज़ ये जो तो पॉइंट है हम कहते हैं कि ए एक पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको हैंग करना है ये पॉइंट है ये ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रॉम दिस वन है वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर्स तो फिर ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑलमोस्ट यहाँ पर बने हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए है जहाँ पर हमने इसको हैंग किया है इस ब्लॉक को तो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक है उस जिसका जो मैस है वो टेन के जी है वो हमने यहाँ पर इसको हैंग किया है ठीक है अब हम उसको फर्दर देखते हैं अनमेरिकल को वट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार तो ज़ाहिर है कि जब हम यहाँ पर करेंगे यहाँ पर वेट हैंग कर देंगे तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज वाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा ये वाली साइड नीचे हो जाएगी लेकिन हाँ वो क्या क्वेश्चन में क्या है कि हमने इस साइड पर इस एंड पर कितना वेट जो है वो सस्पेंड करें इस एंड पर अब वो हम उसने यहाँ पर एंड पर नहीं किया उसने 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर किया है लेकिन बाकी पार्ट में वो कहता है कि एंड पर हमने इस बार के दूसरे साइड के एंड पर हमने वेट जो है वो सस्पेंड करना है आप देखें यहाँ पर जो वेट सस्पेंड होना है हम उसको कह रहे हैं कि ये वेट टू है ये यह यहाँ पर सस्पेंड होना है दिस इज़ दी मैस मैथ वन है ठीक है ये मैथ्स है तो मैथ को अगर हम वेट में कन्वर्ट करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी दैट इज टेन इंटू टेन तो वेट हमारे पास क्या आ गया हंड्रेड न्यूटन तो ये हमारे पास वेट वन है राइट right? तो ये वेट टू हमारे पास कितना हो ताकि ये जो बार है ये अगेन इस सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है वो वो आ, बिल्कुल बैलेंस हो जाए तो ये वेट हमने फाइंड आउट करना है अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो इसका मोमेंट आर्म यहाँ पर है उसने कहा कि 20 सेंटीमीटर यहाँ से 20 सेंटीमीटर है हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट बी है जहाँ पर हमने वेट को जो है वो हैंग करना है तो यहाँ पर ट्वेंटी सेंटीमीटर है मोमेंट आर्म और ये जो वेट गिवन है जो फोर्स ऑफ वेट है वो यहाँ पर ंड्रेड न्यूटन है तो यहाँ पर एंटी क्लाक वाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर जो है वो क्लॉकवाइज वाइज टार्क क्लाक वाइज वाइज जो टार्क है वहाँ पर मोमेंट आर्म हमारे पास है बीजी हमारे पास विच इज़ रिप्रजेंटिंग लेंथ ऑफ दिस 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 फोर्स ऑफ वेट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर ये जो है ये मोमेंट आर्म को रिप्रजेंट कर रहा है ठीक है तो ये तो हमारे पास है वो कितना है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव सेंट फाइव मीटर जो है हमारे पास है ठीक है अब यहाँ पर हमने वेट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉक वाइज़ टार्क क्योंकि जब यहाँ पर ये अगर जब आ, जब हमने यहाँ पर वेट हैंग नहीं किया था तो ये ये इस साइड से डाउन हुआ तो ये एंटी क्लॉक वाइज़ इसने टार्क प्रोड्यूस किया जब ये इसको बैलेंस तो यहाँ पर अगर ये एंटी क्लॉक वाइज है तो फिर ये फोर्स जो है यहाँ पर ये क्लाक वाइज टार्क जो है वो प्रोड्यूस करेगी राइट तो यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर क्लॉक वाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो उसने हमें मूवमेंट uh, आम दिया है इस वाली फोर्स का दैट इज़ इन सेंटीमीटर्स राइट तो हमने उसको भी कन्वर्ट करना है तो हम जो सारा डेटा इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे जो हमारे पास मैस ऑफ ब्लॉक है दैट इज़ एम इज़ इक्वल टू टेन के जी जब हमने इसको कन्वर्ट हमने मैंने ऊपर बता दिया को वो कन्वर्ट होकर वेट वन जो है दैट इज़ इक्वल टू हंड्रेड न्यूटन यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये कन्वर्ट मैस में नहीं हमें ये फोर्स की फॉर्म में चाहिए तो हमने इसको वेट में कन्वर्ट कर लिया राइट देन डिस्टेंस ऑफ वेट फ्राम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वेट का डिस्टेंस ये डिस्टेंस है इस वेट का फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ वेट वन फ्राम सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज़ क्या है ए जी है दैट इज एजी इट इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर इट इज़ इन सेंटीमीटर्स वी हैव टू कन्वर्ट इड इन टू बेस यूनिट तो ट्वेंटी को हमने हंड्रेड से डिवाइड किया वट वी गेट जीरो पॉइंट टू मीटर इसके बाद अब डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो फोर्स है डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी जी दूसरे वाली दूसरी साइड पे चले गए हम डिस्टेंस ऑफ टू फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज बी जी कितना है डिस्टेंस कितना है ये वाला जीरो पॉइंट फाइव मीटर ठीक है वैसे ये किस में गिवन है हमने इसको पहले ही देख लिया था हमने इसको डायरेक्टली जीरो पॉइंट फाइव मीटर क्योंकि ये वन मीटर लॉन्ग बार है तो हाफ ऑफ इट ये ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर तो ये भी हाफ ऑफ इट ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स में गिवन था जो जो डिस, जो जो मोमेंट आम था सेंटीमीटर में गिवन था हमने इसको कन्वर्ट करके ज़ीरो पॉइंट टू मीटर तो ये इन मीटर जो है वो जीरो पॉइंट इन मीटर जो है ये जीरो पॉइंट टू मीटर्स में होगा ये ट्वेंटी सेंटीमीटर जो है दैट इज ज़ीरो पॉइंट टू मीटर हमने फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है हम यहाँ पर फाइंड आउट वे टू फाइंड आउट करना है हमने जो फोर्स ऑफ फोर्स ऑन द अदर एंड टू बैलेंस द रॉड जो है वो फाइंड आउट करना है फोर्स On the other end to balance the rod that is equal to weight two ये हमने find out करनी है तो फिर अब यहाँ पर क्या apply होगा यहाँ पर again जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या हम इसको कह सकते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें सम ऑफ आल टार्क इज़ इक्वल टू जीरो होता है या हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क तो हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे तो क्लाक वाइज टार्क में हमारे पास ये वाली साइड है वी कैन सी फाइंड आउट हम यहाँ से देख सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू वेट फोर्स जो है वो हमारे पास वेट की फॉर्म में है इन टू जो मोमेंट आर्म है दैट इज बी जी इज इक्वल टू यहाँ पर ए जी इज़ दी मोमेंट आर्म एंड वेट वन इज द फोर्स वेट टू इन टू जो बी जी है हमारे पास दैट इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव और यहाँ पर जो ए जी है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू और जो वेट वन है दैट इज इक्वल टू हंड्रेड सो वेट टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इंटू हंड्रड ओ ओवर ज़ीरो पॉइंट फाइव इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो वी गेट ट्वेंटी ओवर जीरो पॉइंट फाइव एंड अब इसको हम ट्वेंटी को जीरो पॉइंट फाइव से डिवाइड करें देन वी गेट फोर्टी न्यूटन तो इट मीन्स कि हम इस साइड पर ऑन दिस एंड ऑफ द बार वी हैव टू हैंग और सस्पेंड अ वेट ऑफ फोर्टी न्यूटन सो दैट दिस वन मीटर लॉन्ग बार विल बी बैलेंस्ड अगेन